हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल DFO इंटरनेट में। देखिए, अपने ज़िले के किसी भी अधिकारी का नंबर आप कैसे पा पाएंगे? आप आसानी से बहुत ही कम समय में, मिनटों में आप नंबर निकाल के उनसे आप अपनी बात रख सकते हैं। सामने डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर से आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई परेशान कर रहा है या फिर किसी भी मामले में आप अगर किसी की मदद करना चाहते हैं तो उस मामले में आप जो है इस नंबर का प्रयोग करके किसी भी ज़रूरतमंद की मदद कर पाएंगे। और आपको अगर कोई परेशान कर रहा है तो उसमें भी आप आसानी से जो है अच्छा सलूशन आपको मिल जाएगा। तो जो है, और देखिए, इसमें कुछ नहीं करना है, बस आपको अपने क्रोम ब्राउज़र पे आ जाना है। तो आइए आपको सीधे क्रोम ब्राउज़र पे ले चलते हैं। आपको अपने क्रोम ब्राउज़र पे आ जाएंगे तो आपको टाइप कर देना है गेट, टाइप करना है। देखिए मैं बता रहा हूँ, गेट इन टाइप कर देना है। अपने किसी भी आप ज़िले के हैं तो आपको टाइप कर देना है गेट ऑल नंबर। जैसे मैं सिद्धार्थ नगर का हूँ तो मैं सिद्धार्थ नगर UP DM SP ओ कर दिया, इंटर कर दिया। मैं इसको इंटर कर देता हूँ तो मेरे सामने जो पहली लिंक खोल के आएगी उसमें मेरे ज़िले के डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो जितने भी बड़े ऑफिसर होंगे उनका नंबर आ जाएगा। तो उन सर से आप आसानी से जो है बात कर पाएंगे और अपनी समस्या सामने रख पाएंगे। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर जितने भी होंगे उनके नंबर आ जाएंगे। आप जो है आपके ज़िले में जितने तहसील होंगे आप उनके भी नंबर आप आसानी से पा सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप तहसील लिख देंगे ना, अपने तहसील के नाम के साथ नंबर लिख देंगे तो वो आ जाएगा आपको। जैसे बांसी लिख देता हूँ, BANS बांसी तहसील। तो उसमें बांसी के जो है जितने भी ज़िले के स्तर के नंबर होंगे आप आ जाएंगे बांसी तहसील। तो आप वो हटाना पड़ेगा तो तहसील के अकॉर्डिंग जो है तहसील डिस्ट्रिक्ट इसमें आ जाएगा आपका। तहसील लेवल तक तहसील में जितने भी हैं उसने आपके नंबर आ जाएंगे। तो आप जिस लेवल पे अधिकारी से बात करना चाहते हैं उनसे आसानी से बात करके आप अपनी समस्या रख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो सभी दोस्तों को शेयर करें जिससे सबको ये जानकारी रहे, किसी भी जो है पूरे ज़िले में सबको ये वीडियो जानकारी होनी चाहिए कि मतलब किसी भी का जो है मदद हो सके और किसी भी ज़रूरतमंद की हेल्प इससे आसानी से हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।